फ्रेंड्स, वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे वायरस के बारे में, यानी कि विषाणु के बारे में, और उससे होने वाले रोगों के बारे में, वो भी बहुत ही छोटी सी अच्छी सी ट्रिक के माध्यम से। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था बैक्टीरिया क्या है, यानी कि जीवाणु क्या है, और उससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। उसमें भी हमने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक पढ़ी थी, जिससे हमने जीवाणु से होने वाले सभी रोगों को याद कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वो वीडियो जरूर देखना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है कि जीवाणु से कौन से रोग होते हैं या विषाणु से कौन से रोग होते हैं। बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि मैम, हमारे लिए एक ट्रिक बनाओ, बिकॉज हम जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोगों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना भी रट लें लेकिन एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। तो आपके डिमांड पर हम आपके लिए लेके आए हैं आज ये ट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा टॉपिक, जो कि है विषाणु, यानी कि वायरस और वायरस से होने वाले रोग। देखिए, पहले पढ़ते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु वायरस से बना हुआ शब्द है। वायरस का शाब्दिक अर्थ होता है विष, यानी के जहर। देखिए, अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी इवान विस्की, या जिनका नाम इवानोवस्की भी मिलता है। ये रूस के वनस्पति शास्त्री थे, यानी रूस के ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने विषाणु की खोज की थी। देखो, वर्ष 1892 ईस्वी की बात है। ये जो वैज्ञानिक है इवानोवस्की, ये तंबाकू के पौधे पर खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तंबाकू के पौधे में इन्होंने एक रोग पाया, उस रोग का नाम था मोजेक रोग। मोजेक रोग पर जब इन्होंने और अध्ययन किया तो इनको पता लगा कि मोजेक रोग जो है वो वायरस के कारण होता है। देखिए, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने कैसे पता लगाया विषाणु का, इन्होंने तंबाकू में मोजेक रोग की खोज की थी, और इस खोज के समय ही इन्होंने पता लगाया कि एक वायरस नाम का सूक्ष्म जीव होता है जिसके कारण बहुत से रोग होते हैं। अब इवानोवस्की के अलावा भी एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर ने भी तंबाकू के पौधे में वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पता लगाया, लेकिन जो पूर्ण स्वरूप था वायरस का उसके बारे में इवानोवस्की ने ही बताया था, इसलिए इसका खोजकर्ता हम इवानोवस्की को ही मानते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात एक और हमारे पास ये है कि सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी किसको कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी किसे कहते हैं। हमारी जो आर्मी जीडी की बुक है उसमें भी इस क्वेश्चन को दिया गया है कि सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी क्या है, तो वायरस है, याद रखेंगे दोस्तों इसको हम। नेक्स्ट, अब हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वायरस है वो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करता है, शरीर के बाहर मृत समान पाया जाता है। क्या अर्थ हुआ इसका कि जब शरीर के बाहर होता है जो वायरस, तो ये वायरस मृत समान होता है, मतलब मरा हुआ माना जाता है, लेकिन जैसे ही ये शरीर के अंदर, यानी कि किसी सजीव कोशिका में, किसी सजीव प्राणी में एंटर करता है, ये वापस अपने जीवित स्वरूप में आ जाता है। तो देखो, जो प्राणी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी सजीव माने जाते हैं, तो इन सबको वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। अभी देखेंगे हम कोरोना। जो कोरोना फैला हुआ है वो भी एक प्रकार का वायरस है, जो कि चीन के वुहान शहर से फैला था, और वर्तमान में बहुत से शक्तिशाली जो देश है उनको भी अपनी चपेट में ले चुका है। तो वायरस कितना हानिकारक है, कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप कोरोना से लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, विषाणु जो है, विषाणु का जो गठन है वो नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से होता है। विषाणु का जो गठन है वो प्रोटीन और नाभिकीय अम्लों के संयोजन से होता है।
अब जो विषाणु है वो लाभप्रद और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। लाभप्रद कौन से होते हैं, हानिकारक कौन से विषाणु होते हैं, इनका फुल डिस्क्रिप्शन हम हमारे आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो हमने बनाई है इसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि विषाणु से होने वाले रोगों को आपको याद करवाना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो बैक्टीरिया और विषाणु से होने वाले रोगों के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए सन 1796 में एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक ने जो चेचक रोग होता है उस चेचक रोग पर खोज की थी और उन्होंने चेचक का टीका बनाया था। अभी ईमानदारी से आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चेचक की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी, ईमानदारी से बताना है, मैं अब बताऊंगी आपको। देखिए जो डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे, वैज्ञानिक कौन है, एडवर्ड जेनर, इन्होंने 1796 में, यानी कि ये इससे पहले की बात है, खोज की थी चेचक के टीके की, क्योंकि उन्होंने चेचक रोग पर अपना पूरा विश्लेषण किया था। तो देखिए अब इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सन 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने यह पता लगाया कि चेचक रोग विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है, और चेचक के टीके की खोज भी इन्होंने की थी। लेकिन जो विषाणु का पूर्ण स्वरूप है, मतलब पूरी जानकारी ये नहीं बता पाए, इसकी जानकारी बाद में किसने बताई, इवानोवस्की ने बताई। इसीलिए इवानोवस्की को जो विषाणु है, जो वायरस है, उसका खोजकर्ता माना जाता है। ये बात याद रखने वाली है। लेकिन जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, जो खोज की थी, वो अन्वेषण किसने किया था, वो किया था एडवर्ड जेनर ने। बस ये पूर्ण स्वरूप नहीं बता पाए थे विषाणु का। ठीक है, अब हम आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हमारी ट्रिक पर। तो हमारी ट्रिक क्या है, उसके लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है। देखो हम कहीं मार्केट में जा रहे थे, स्टोरी है ट्रिक के पीछे की याद रखने के लिए, कि हम कहीं मार्केट में जा रहे थे तो मार्केट में पीछे से हमारे साथ आती है रेखा, चीकू और एडी। कौन कौन है, रेखा, चीकू और एडी, और वो हमें हिट करके यानी मार के पीछे छोड़ जाती है और हमसे आगे निकल जाती है। ठीक है, तो ट्रिक पे आते हैं सीधे। कौन आई थी हमारे पीछे से, रेखा, चीकू और एडी, और क्या किया, हमें हिट किया और पीछे छोड़ गई। दोबारा देखिए, रेखा, चीकू और एडी हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। यहाँ पे जो पीछे है, पीछे से हमें पीछे याद रखना है, जो कि हमारे ट्रिक में शामिल है। अब देखिए यहाँ जो पहला है रे, रे से हमें याद रखना है रोग रेबीज। कौन सा रोग, रेबीज, पता है हमें कुत्ते के काटने से होता है, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। जो रेबीज रोग है इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो पानी से डरने लग जाता है, उसको पानी से डर लगता है। देखिए पूरी जो जानकारी है किस रोग में क्या होता है वो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पूरी जानकारी, पूरा विस्तृत वर्णन। ये वीडियो बस एक ट्रिक बताने के लिए है, जिससे आप विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोगों को याद कर सके। पूरा लंबा वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए जिसमें पूरी जानकारी दी हुई होगी, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। अभी तो हम ये पढ़ते हैं। तो रे से रोग हो गया रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ख से है खसरा रोग। ची से याद रखना है यहाँ जो चीकू है, चीकू से है चिकनगुनिया रोग। ये और जो है, देखिए और जो है यह संयोजक वर्ड है, तो इसको आपको याद नहीं रखना है, ये यहाँ पर साइलेंट रहने वाला है और, याद रखेंगे। तो जो एटी है, एटी से हमें याद रखना है एड्स रोग। एड्स रोग वायरस के कारण होता है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एड्स रोग का कारण है तो वायरस है, एचआईवी वायरस के कारण होता है। पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए है यहाँ पे, है से होता है हर्पिस रोग, में से मेनिनजाइटिस रोग होता है, मेनिनजाइटिस दिमाग की बुखार जिसको बोलते हैं हम,
मेनिनजाइटिस रोग वायरस के कारण होता है। यहाँ पे जो ही है, ही से हिपेटाइटिस रोग होता है, ट से ट्रेकोमा रोग होता है। ये जो करके है यह संयोजक वर्ड है, इसको आपको याद नहीं रखना है, ये साइलेंट रहेगा। अब है पी, पी जो शब्द है यहाँ, इससे दो प्रमुख रोग होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको, कभी नहीं भूलेंगे, पीलिया और पोलियो। यहाँ जो पी है उससे दो रोग होते हैं, पीलिया और पोलियो रोग वायरस के कारण होते हैं। चे से होता है चेचक रोग, जिसमें शरीर में गड्ढे बन जाते हैं। छो है यहाँ पर, छो से छोटी माता रोग को याद रखेंगे। डे से डेंगू बुखार को याद रखेंगे, डेंगू ज्वर को याद रखेंगे। जो यहाँ गए है, गए से गल सुआ को याद रखेंगे, और ई से इन्फ्लुएंजा को हम याद रखेंगे। तो इस ट्रिक से हमने सभी इम्पोर्टेंट जो वायरस से होने वाले रोग है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उनको याद कर लिया है। देखिए, जीवाणु विषाणु दोनों से जो होने वाले रोग है वो हम हमारे दोनों वीडियोस में कवर कर चुके हैं। देखना आप लोग जरूर इन पूरे वीडियोस को देखना, आपका एक नंबर का क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से पक्का होने वाला है आज। ऐसे ही हमारे और वीडियोस को आप देखते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, लाइक करते रहिए हमारे वीडियोस को, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट वीडियोस हमारे आए, उन वीडियोस को आप मिस नहीं करें। सो बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद।